Hello guys, welcome to my next vlog. Love is a game like it makes you hard. प्याज लिया है मैंने दो, और दो टमाटर लिए हैं बड़े बड़े, और इसके बाद चार हरी मिर्ची ली है। तो आपके हिसाब से कि आपको कितने आलू चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 8 आलू लिए हैं। अच्छे से स्क्वॉश कर लेंगे। तो हमारे आलू रेडी है, टमाटर रेडी है, सर प्याज रेडी है और मिर्ची रेडी है। हमारा तेल गर्म हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, जो कि हमारा है 1 चम्मच। बड़ा चम्मच मत लेना, छोटा चम्मच लेना। इसको थोड़ी देर हम रखेंगे, इसको थोड़ा भून लेंगे अच्छे से। भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे अपने प्याज डाल देंगे। तो इसका जो टेस्ट आएगा प्याज का मीठा, वो अलग ही आएगा। तो हम इसको अच्छे से भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक हमारे ये प्याज ब्राउन नहीं हो जाते। मिर्ची को भूनने के साथ साथ प्याज का कलर तेज हो चुका है पूरा। अब हम डाल देंगे इसमें अपने टमाटर, फिर इसमें हम डालेंगे नमक। तो ये है और एक छोटा वाला ऑप्शन है यहाँ पे। तो मुझे एक्चुअली मेरे को अंदाज़ा है इसमें कि नमक मुझे कितना डालना है, 1.5 चम्मच, टेस्ट के हिसाब से जितना आप नमक खाते हैं। तो नमक हमने इसमें डाल दिया है अपना। अभी ये टमाटर धीरे धीरे डिजॉल्व होने लगेंगे। इसमें भी आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे अच्छे से मसाले को तैयार होने में। मसाला डालना स्टार्ट करेंगे। तो पहला मसाला जो है हमारा, वो रहेगा हल्दी, जो रहेगी 1/2 स्पून। बस डालेंगे चिली पाउडर। मैं ज़्यादा खाता हूँ तो मैं इसीलिए डाल रहा हूँ इसमें ज़्यादा चिली पाउडर। तो मैं इसमें चिली अपने हिसाब से डाल रहा हूँ क्योंकि मैं खाता हूँ इतना। और इसके बाद जाना आपको इसमें धनिया पाउडर। और जब आपको लगे कि आपका ये जो तेल है, अगर आपको लगेगा कि सूखने लग गया है, इसमें नीचे सूख रहा है, तो इसमें आप हल्का हल्का पानी डाल सकते हैं। तेल हमारा अलग हो रहा है, तो आपको थोड़े देर इसको भूनना पड़ेगा, 5 मिनट इसमें और भूनना पड़ेगा अच्छे से। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ताकि ये प्यूरी अच्छे से डिजॉल्व हो जाए। अगर जिन लोगों को थोड़ा सूखा पसंद है खाना, तो इसमें पानी ना डाल के आप इसमें आलू डाल सकते हैं, बट हम थोड़ा प्यूरी बना रहे हैं इसको। मतलब हमारी ग्रेवी तैयार है। इसी के साथ डाल देंगे, अपना आलू डाल देंगे इसमें। डाल देंगे हम पानी जितना हमें चाहिए ग्रेवी। आप देख रहे हैं पानी हमने इसमें डाल रखा है इतना कि जितना हमारा इसमें आलू है, जितना हमारा आलू तक आ रहा है इतना ही पानी डालेंगे हम इसमें, भर के डालेंगे। अब इसमें हम 1 सीटी लगाएंगे कुकर की। अब बताते हैं आप कैसा बनाए। बहुत टेस्टी बनाए, आप इसको ट्राई कर सकते हैं अपने घर में बना के। Give me a chance to run.